या तो शिक्षा है या तो एजुकेशन होगी। अगर एजुकेशन नहीं है तो सीधा सा मतलब है वो अशिक्षा या कुशिक्षा होगा। उसमें ऐसा तो होता नहीं है कि शिक्षा है तो गुणवत्तापूर्ण एक शिक्षा होगी तो बड़ी वाली शिक्षा हो गई, एक मझोली शिक्षा हो गई, एक बीच वाली शिक्षा हो गई। नहीं, सिर्फ शिक्षा का मतलब है शिक्षा। शिक्षा हमारे अंदर से प्रेरणा देती है, अंदर से प्रेरणा निकलती है। बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी अंदर से भाव पैदा होंगे कि मैं इनका सम्मान करूँ, वो शिक्षा है। ये चीज़ें रटी रटाई थोड़ी है कि मैंने पढ़ लिया, ये मेरी पिताजी लगती हैं, किताब में पढ़ा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में पढ़ाने से मेरे पिताजी लगते हैं। इससे समाज नहीं चलता है, वो चीज़ अलग है अपनी जगह, और समाज चलाने के लिए चीज़ें अलग है। मैं युवाओं से इसलिए कह रहा हूँ, आप इसके चक्कर में न पढ़िए, व्हाट्सएप फेसबुक दुनियादारी, आप पढ़िए, मजबूत बनिए, और आपने आपको इतना मजबूत बना लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ। पूरी जो सृष्टि होती है ना, पूरा ब्रह्मांड आप इमेज करिए। इस मन को, मस्तिष्क को क्यों ब्रह्म कहते हैं, क्यों ब्रह्मांड कहते हैं? क्योंकि जो पूरे जगत में, सारे संसार में, चाहे वो उपग्रह ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य ब्रह्मांड जो भी है, आकाश गंगा है, जितना उन सब में है, वो सारा का सारा हमारे सिर्फ इस पॉइंट के अंदर है। जो ब्रह्मांड की संरचना उसकी है, वैसे ही ब्रह्मांड की संरचना इसकी है। आप अंदाजा लगा लीजिए, एक बरगद का पेड़ जो होता है उसका बीज कितना छोटा होता है, उसके बीज को आंखों से, नंगी आंखों से देखने पर दिखता नहीं है, और वहाँ उस छोटे से जो